ग्वालियर पहुंचे अमित शाह, शिवपुरी के लिए हुए रवाना। पिछौर, करैरा, शिवपुर और ग्वालियर के इंटक मैदान पर करेंगे जनसभाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर 12:05 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहां स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 5 मिनट के बाद वो यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए शिवपुरी के करैरा के लिए रवाना हो गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:45 पर करैरा शिवपुरी में जनसभा को संबोधित कर रोड शो रथ सभा करेंगे। इसके बाद पिछौर, शिवपुर और आखिर में ग्वालियर के इंटक मैदान में विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के आगमन को लेकर ग्वालियर, शिवपुरी व शिवपुर में कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। करीब 2500 जवानों की कड़ी निगरानी में अमित शाह रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य के केंद्रीय मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल के बार बार दौरे कर रहे हैं। साल 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 सीट में से 26 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा और 1 पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी। अब भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत कर प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ करना चाहती है। यही कारण है कि यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तक को मैदान में उतारा गया है। यही कारण है कि 4 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना तय हो गया है और 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रस्तावित है। ये रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। अभी तक जो कार्यक्रम जारी हुआ उसके मुताबिक 4 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से विमान के जरिए 12:05 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। ग्वालियर में स्थानीय नेताओं ने उनका वेलकम किया। 5 मिनट बाद वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। दोपहर 12:45 पर शिवपुरी की करैरा विधानसभा पुलिस सहायता केंद्र के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाह करैना ग्रीन रूम में भोजन करेंगे और यहां 1:35 पर रथ सभा करेंगे। सिरसौत से मनपुरा, भौती करैरा, भौती पिछौर, यहां से पिछौर के पगरा ढला, बदरवाद रथ सभा करेंगे। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर 4 नवंबर को 4 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा करैरा में दोपहर 12:30 पर होगी। दोपहर बाद 2:55 से पिछौर में जनसभा करेंगे। यहां से शिवपुर पहुंचेंगे और शाम 4:05 पर शिवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह ग्वालियर लौटेंगे। यहां ग्वालियर विधानसभा के इंटक मैदान पर सभी प्रत्याशियों के समर्थन में शाम 7:20 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ऊंचे भवनों से निगरानी। अमित शाह की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए पुलिस के जवानों को ऊंची बिल्डिंगों पर तैनात किया जा रहा है जिससे वो वहां से निगरानी कर सके। जहां जहां सभाएं होंगी और रोड शो होगा वहां पुलिस ऊंचे भवनों से वॉच टावर बनाकर निगरानी करेगी। त्रिस्तरीय रहेगा सुरक्षा घेरा। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा जिसमें सबसे पहले SPG का सुरक्षा घेरा और उसके बाद जिला पुलिस के तेज तर्रार जवानों के बाद पुलिस का एक अन्य घेरा रहेगा जिसमें अपराध दस्ते के जवानों को लगाया जा रहा है। 2500 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। गृह मंत्री के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक करीब 2500 जवान तैनात किए जा रहे हैं जो उनके आने से पहले तैनात किए जाएंगे और उनके जाने के बाद तक तैनात रहेंगे। आधा घंटे पहले रोका जाएगा यातायात। गृह मंत्री के एयरपोर्ट आते ही यातायात को रोक दिया जाएगा और उनके रवाना होने के बाद उन रास्तों को खोला जाएगा। इस दौरान गली मोहल्लों से निकलने वाले रास्तों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे और हर आने जाने वालों को रोक दिया जाएगा। इस दौरान सभा स्थल के आसपास का पूरा इलाका सुबह से ही पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में ले लेगी और जो भी संदिग्ध दिखेगा उसे थाने लाकर पड़ताल की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।